हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब बहुत टाइम बाद ये मगवंग नहीं है, नॉर्मल एक वीडियो है ये। हर्सन चॉपस्टिक्स मैंने देखा था इसका ऐड, तो आज ट्राई करता हूँ। इसमें कुछ केचप है, चॉपस्टिक एंड फोक जो मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये थुप्पा है, मोमो चिकन थुप्पा, और ये चिकन थाई करी ग्रीन वाली। और इसमें देखते हैं, पहले ये देखता हूँ, ये बहुत ग्रीन। दिखा दें एक बार फिर कि ये है क्या क्या। तो मैं तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, कैसा है? अच्छा हो तो मैं फिर दोबारा ऑर्डर करूँ। खुशबू तो अच्छी आ रही है, क्लासिक खुशबू है। कोकोनट, कोकोनट का फ्लेवर भी है इसमें, टू टेस्टी। लेमनेड बॉम्बे मसाला, अच्छा वाह, टेस्टी तो है ना इंडिया। इसमें बीन्स वगैरह भी हैं, उनका भी टेस्ट है, हेल्दी है, हेल्दी ऑप्शन, नॉट स्पाइसी एट ऑल। चिकन के भी ब्रेस्ट पीस है, गरम है तो मैं नहीं। इसमें ब्रोकली भी है, ब्रोकली का जो ग्रेवी है ना बहुत बेस्ट टेस्ट है। अपने कुछ स्पेशल फ्लेवर है इसमें, शायद मिंट है, आई बिलीव मिंट लीव से भी ना स्मेल से पता नहीं चलेगा कि इसमें चिकन है।
किंग के भी देखे नहीं मैंने यार, और जल्दी तेरे से काटे हुए। ट्राई करते हैं तो भाई, आज मैं सेकंड टाइम इसको ट्राई कराऊंगा, ठीक है, सेकंड टाइम। भाई क्वांटिटी जो है ना इनकी बहुत जेन्युइन है, मोमो के 3 पीसेस हैं पर बहुत बड़े बड़े हैं, गॉड, 3 मोमो का 1 मोमो। मोमो के पीस देखो गाइस, वो बहुत बड़े पीस है, वर्थ इट है, मतलब अगर छोटे मोमो करते हैं तो 5 मोमो से 2 मोमो में निकल जाएंगे। मुझे स्पून लेनी पड़ेगी अभी भी इसको सूट के लिए, तो मैं मोमो ट्राई करने की सोचूंगा, कोशिश करता हूँ कि एक बार एक मोमो खा लूँ, बट बहुत गर्म है, चिकन से बाहर निकल जाए। नॉर्मल मोमोज बिकॉज चिकन चिकन की स्टफिंग है ना इसके अंदर, बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं। मेरी स्पून आ गई है, सिंपल हेल्दी एंड टेस्टी। इसमें भी और ज़्यादा गर्मी होगी जस्ट बिकॉज इट्स हॉट, इसमें कुछ स्पाइसेस हैं ना, जैसे बिल्कुल टेक्सचर स्मूथ है बट स्टिल इट्स वेरी टेस्टी। विश की नॉर्मल जो रेगुलर मोमोज हम खाते हैं उसका साइज भी इतना ही बड़ा हो, और 4 or 5 pieces enough। Thank you.
It's more than enough. Human portion. Almost half liter का हो गए इसमें. जब सूप की बात करें, जंबो साइज मोमोज, वेजीज एंड नूडल्स. वर्थ इट है. जो भी अमाउंट चार्ज करते हैं. ये बहुत हेल्दी है. इट्स नॉट समथिंग कि आपने अभी खाया मॉर्निंग में आपको प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट डे आपको कुछ कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, कुछ भी नहीं है. अब मैं इसे इंजॉय करता हूँ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. इट्स राइट द वर्ड.